कल था, कल अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में पहली रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन विद सोडियम। बेटा पढ़े क्या जल्दी से, सोडियम मेटल होता है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है एसिडिक हाइड्रोजन को भगा देना। तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, एच प्लस को। बेटा देख ले जल्दी से, तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो एच के टकलू पे पॉजिटिव चार्ज गायब, तो ओ नेगेटिव से उसका संबंध गायब, तो क्या बन जाएगा, आर ओ एन ए बन जाएगा और हाफ एच टू भाग जाएगा। क्लियर है बेटा? अब इस पूरी यारी रिएक्शन में पढ़ा दी थी, मैं तो बस लिंक बनाने के लिए आपको बताया, ठीक है ना। इस रिएक्शन के कुछ डिटेल्स और भी पढ़ाए थे क्या, बोलो बेटा। यदि मान लो मैं आपसे ये बात पूछ लूं कि प्लीज सब लोग ध्यान दें, अनुराग बेटा यहां ध्यान दो उत्तर देने पर, अच्छा लगेगा सबको, किसकी रिएक्शन सोडियम के साथ फास्टेस्ट होगी, किसकी रिएक्शन सोडियम के साथ फास्टेस्ट होगी, जल्दी से बताओ। ये मैं फुल कर दूं क्या इसको, तो इस पे चैट नहीं आएगी क्या, कहाँ आती है, अल्ट और टैब, कहाँ है टैब, ये तो लैपटॉप। टैब करके बटन होता है, सो बोला अल्ट और टैब दोनों एक साथ दबाओ, देखा तुमने दबाया कितना अच्छा लगा, तू उसको दबाते हैं, ठीक है सर आ गए क्या, अच्छा ठीक है। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बस ठीक है ओके। आशिया बेटा आपको यदि कोई डाउट पूछना रहेगा ना तो आप चैट में पूछ लेना बच्चे, है ना। चलो अब आर ओ एच प्लस एन ए गिव्स मी आर ओ एन ए प्लस हाफ एच टू, किसमें एसिडिक करेक्टर ज्यादा दो, है ना, और आंसर भी दे सकते हो, 1 2 3 ये इसका ऑर्डर है। अब तुम एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर बता दो जल्दी से फटाफट, 1 का ज्यादा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू 2 डिग्री अल्कोहल एज कम्पेयर टू 3 डिग्री अल्कोहल, पकड़ना है इसको, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 > 2 > 3, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो अब आगे की कहानी पढ़ते, ये वाली रिएक्शन कल हो गई थी, आज की रिएक्शन है आगे, लिखो एसिटाइलेशन, ये भी हो गई थी एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या कराया था मैंने, रिएक्शन सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल की रिएक्शन आर ओ एच के साथ कराई थी। यहां पे ऐसी कौन सी चीज थी जिसके कारण रिएक्शन हुई होगी, सोचो बेटा। इधर ओ पे लोन पेयर था और Cl इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा है और OB इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा है, इसके कारण इस पे धनावेश होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे, C पे, O का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा, CH3C O नेगेटिव O H R पॉजिटिव और Cl, ये पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन बियर नहीं करेगा, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये एच से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच लेगा, करेक्ट बेटा इतनी बात। और दूसरी ओर जब ये इधर से इधर पलटेगा तो ये सीएससी से पूछेगा तुम बाहर जाओगे, इतनी आवाज क्यों आ रही, कोई लड़ रहा है क्या यहाँ पे, ओ एच क्या यहां पर ओ आर जाएगा क्या सीएल जाएगा, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl OR K O नेगेटिव नेगेटिव, यदि O बाहर गया ये तो डबल बॉन्ड वाला है, ये तो सवाल नहीं उठता बाहर जाए, बोलो बच्चे। यदि यहां पर ये वाला ये, अच्छा ये कैसे बाहर जाएगा, ये तो अंदर आ रहा है, ये तो अंदर आ रहा है, CsC नेगेटिव बाहर जाएगा क्या, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा बेस होता है, जो अच्छा बेस होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। अच्छा OR नेगेटिव वो कैसा बेस है, ओ और सी एल ओ आर, मान लो यहां से ओ आर नेगेटिव लीव किया, मतलब ये अंदर आया
तो इधर से क्या होता, ये तो जा चुका था यहां से, तो लीव कौन करता, ओ आर नेगेटिव। अब ओ नेगेटिव और सी एल नेगेटिव में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सी एल नेगेटिव, लार्ज साइज एनायन है तो चार्ज क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, सी एल नेगेटिव लीव कर जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसिटाइलेशन रिएक्शन। यहां एक चीज रखी हुई थी गायब हो गई है, क्लियर है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने पेंटा एसिटेट वाला, ठीक चलो बेटा दो इसको, यार ये उस रूम में जो आवाज आ रही है तो वहां कौन तो बातें कर रहे, मतलब पढ़ क्यों नहीं लो, विशाल को मत भेज, पिट के आए वहां से। अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं, जो मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। नेक्स्ट थर्ड, बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन रिएक्शन, बेंजोइलेशन रिएक्शन। चलो बेटा बेंजोइलेशन में आर ओ एच और रिएक्शन करा दो, बेंजोइलेशन रिएक्शन का एक और नाम है क्या है, सौतन बाउमन रिएक्शन, मतलब सौतन नहीं है शॉर्टन है लेकिन ठीक है। आओ शॉर्टन की स्पेलिंग है एस सी एच ओ, अनुराग को बहुत बुरा लगा सुन, शॉर्टन बाउमान रिएक्शन, शॉर्टन बाउमान रिएक्शन करेक्ट बेटा। इसमें आर ओ एच की रिएक्शन और इसके अलावा C6H5OH, देखो बेटा मैं आपको बताऊं ये सब रटना नहीं है, ये सामने लिखा हुआ है, कोई लिख के दे बस इतना पता होना चाहिए कि इन दो की रिएक्शन को शॉर्टन बाउमान रिएक्शन बोलते हैं, थोड़ा सा नाम का इंपॉर्टेंस है, बाकी सब बकवास, बाकी तो क्या कहते हैं इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे CST रखा, तुम खुद सोचो कौन आएगा, कहाँ अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा। आओ बेटा भाई साहब पूरी पूरी क्लास जरा जाग जाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चीजें बार बार आएंगी एग्जाम में। ओ का लोन पेयर सी पे अटैक करेगा, सी एल को उड़ा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सोच ये लोन पेयर इधर अटैक करेगा, सी एल को उड़ा देगा, और इसका कौन अटैक करेगा, एन का लोन पेयर अटैक करेगा, सी एल को उड़ा देगा, बोलो हाँ। और ये एक्शन आगे बढ़ जाएगी, तो तीन प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे आपके पास, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, और क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी सिक्स एच फाइव, और क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी सिक्स एच फाइव, कोई दिक्कत, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, तो खुश रहो, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इसके बाद एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में बनेगा कौन, एस्टर, आ गए। चलो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कौन बनेगा, एस्टर, ये रहा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसकी रिएक्शन हो रही है आर ओ एच के साथ, इसके ऊपर लोन पे, सोचो कौन जाएगा, कहां से जाएगा, क्यों जाएगा, कौन किस पे अटैक करने वाला है, मेरे पानी का बोतला क्या बेटा, शुभम, शुभम कौन है यार, अच्छा शुभम अपने दोस्त, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जल्दी से सब लोग ध्यान दें, कुछ भी है वहां पे, ये वही बातें कर रही है ना, नहीं नहीं बहुत ही गलत बात है, मैं एक सेकंड रिएक्शन लिख दूं फिर बता क्या था, ये इधर है बेटा इधर, बैठ
ये इधर से इधर आया, करेक्ट है बेटा? जल्दी बोलो बच्चे, ये इधर से इधर क्यों आया? क्योंकि इसी के टकले पे पॉजिटिव चार्ज था, ये ऊपर जाएगा फिर पलट के नीचे आएगा, तो ये इधर से जाएगा, नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों जाएगा? मीडियम ले लेते, मान लो मैं एसिडिक मीडियम ले लेता हूँ, ठीक मीडियम ले लेते हैं, कौन सा मीडियम ले लिया मैंने? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिडिक मीडियम ले लो, कौन सा लिया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिडिक मीडियम, और मैं एक काम करता हूँ इधर 18 लगा देता हूँ, चलो एग्जाम का क्वेश्चन हो गया, सभी लोग ट्राई करेंगे, क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? H+ इसको रिसीव करेगा, वैसे मैं तुम्हें बताऊं मैं इस पे भी रिसीव करवा सकता हूं, बुकिश मैकेनिज्म कुछ इसी तरीके से, फालतू में जीवन कॉम्प्लिकेट हो जाता है, छोड़ दो इधर भी रिसीव करवाओ, मैं आपको इसके झूठे सच्चे कारण भी बता सकता हूं क्यों यहां रिसीव होगा, ठीक है? तो खैर इस ओ पे ये एसिडिक है, ये मीडियम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होने के कारण H+ इधर जाएगा, बोलो हो, जब इधर गया तो यहाँ क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O H2 प्लस बन जाएगा, इस पे 18 आ जाएगा, बोलो बेटा। अब ROH ये रहा, ये क्या करेगा? इधर से इधर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा वापस आएगा और ये बाहर निकल जाएगा, बोलो बेटा, और क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OR प्लस जलुआ 80, करेक्ट है? तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपको बन जाएगा, और वो ये बन जाएगा कि जो एस्टर बना उसमें O18 होगा या उसमें O18 नहीं होगा, बोलो बच्चे, क्या बेटा कौन सा वाला है? आरो चला गया बेटा, वो ओ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब ओ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एस्टर बाहर चला जाएगा, बेटा ये कैटलिस्ट है ना, तो H+ आयन जो गया है वो H+ आयन रीजनरेट हो जाए, कोई परेशानी? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजा आया, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने, एक रिएक्शन होती है इसकी जस्ट उल्टी, ये क्या बना है? एस्टर, एक एस्टर का हाइड्रोलिसिस भी होता है, ट्रांस एस्टरीफिकेशन में बेटा अल्कोहल का अटैक होगा एस्टर पे, एक एस्टर की जगह दूसरा एस्टर बन जाएगा, मुझे भी याद, इसको एस्टर हाइड्रोलिसिस, हाँ ये एस्टर बना है, वो एस्टर का हाइड्रोलिसिस है, अभी पानी आएगा इसके मुंह पे मारेगा, ठीक है? बताता हूँ आपको, क्या मैं मिटा दूँ इसको? हाँ वहां जुड़ा ना नीचे, इसमें ना, हाँ इसमें तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इधर OC6H5 आएगा और इधर NHC6H5 आएगा, बिल्कुल सही है, मैं तो देख रहा, तुम लोग जाग रहे हो, सो रहे, इतनी देर से लिख भी लिया, किसी ने ऑब्जेक्शन भी लिया, वो तो अंजलि जी क्लास में नहीं होती आज, तो क्या होता? कल आके हो गया। चल अब एस्टरीफिकेशन का उल्टा क्या होता है, आप लोगों को मुझ पर बहुत भरोसा है, जो पढ़ाया है सही पढ़ाया हुआ, सर नहीं आता हुआ नहीं तो बस 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 बस, थैंक यू सो मच, चलो आगे बढ़े। अब बेटा एस्टर बन गया था, ये स्वतंत्र बहुमान भी मिटा देते हैं। अब सुनो, एस्टर बना था आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OR, अब यहां पर तुमने हाइड्रोलिसिस कराया, क्या मतलब होता है हाइड्रोलिसिस का? पानी का टूटना। अच्छा मैं सिर्फ पानी लेता हूं और इसका अटैक यहां से यहां करा दूं, क्या रिएक्शन अच्छी होगी कि बुरी होगी? भाई साहब OH आ रहा है, OR जा रहा है,
कौन है अच्छा? पर्दा लगा बेटा, पर्दा लगा प्लीज। कौन है अच्छा? ओ एच अच्छा भैंस है, ओ आर नेगेटिव अच्छा भैंस है, सॉरी आर ओ नेगेटिव अच्छा भैंस है, आर ओ नेगेटिव ज्यादा अच्छा बेस है, तो अच्छा बेस लीक क्यों किया? उसकी जगह घटिया बेस आ गया, ऐसे कैसे आ गया? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? स्लो हो जाएगी। तुम्हें नहीं आया? स्लो हो जाए। तो मैं इसको फास्ट करने के लिए क्या एच प्लस आयन ले लूं? यदि एच प्लस आयन लूंगा तो अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। बोलो ना बेटा, एच प्लस आई का इधर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच आर टकलू पॉजिटिव। अब जब जलुआ आएगा, जलुआ मतलब वाटर, और इधर अटैक करेगा लीक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस आर ओ एच, एसिड बन गया, एल्कोहल बन गया। दिस इज कॉल्ड एस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान सुनना सभी लोग, तुमने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, वेरी नाइस। सुनो मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पे जल आपको एक्सेस में लेना पड़ता है। कैसे लेना पड़ता है? एक्सेस में लेना पड़ेगा। तो इसको मैं बोल दूंगा सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोल बेटा, सूडो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी मोलिकुलरिटी तो दो है और इसका ऑर्डर वन है। क्यों? क्योंकि वाटर कायम है, एक्सेस में हो। जब कोई चीज जीवन में एक्सेस में हो जाती है तो उस पर रिएक्शन का रेट नहीं डिपेंड करता, डिपेंड नहीं करता है। ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ, सही है? यस। बोले बेटा, जब कोई चीज अच्छा, जिन लोगों को मैं आपको बताऊं, मेरा केमिकल बॉन्डिंग खत्म होने वाला है, बस मेरे एक या दो लेक्चर बचे हैं बॉन्डिंग के, फिर 11:30 से 1 बजे तक सॉल्यूशन में पढ़ाना चालू करूंगा, केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 चैप्टर। जो जो जिन जिन की गरीबी है वो आ जाना, ठीक है? 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर बेटा? ये क्या है? एस्टर। अब क्या हुआ? HOH का अटैक हुआ, कौन बाहर गया? OR। सच्ची सच्ची मुच्ची मुच्ची बोलो, गया कि नहीं गया? मतलब इसका रेट गया ना, लेकिन रेट कम होता क्योंकि HOH उतना अच्छा अटैकिंग एजेंट नहीं था। तो इसको एक तो एक्सेस में लेना पड़ेगा, तो यदि इसको एक्सेस में लिया आपने तो इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ, बोलो बेटा, के एफ एस्टर की पावर 1 और वाटर की पावर टकलू, ठीक है बेटा? यदि कोई चीज एक्सेस में है तो उसके बढ़ाने घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स? ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स का मतलब होता है किसी के बदलने से क्या असर होता है जी। जैसे मान लो किसी चीज का कंसंट्रेशन डबल किया गया और रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स 2 होगा, नहीं आया? यदि कहीं पर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ गया, कंसंट्रेशन को क्या किया? डबल। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? 4 गुना बढ़ गया। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स 2 है। डबल करने पर चबल हो गया, तो डबल की पावर एक्स बराबर चबल, तो एक्स क्या हो कि 4 हो जाए, 2 डबल करने पे 8 गुना हो गया, डबल करने पे 8 गुना हो गया, 2 की पावर 3 बराबर 8, तो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या आया? 3। डबल करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 0, तो 0, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो जब बढ़ाने पर मात्रा रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क ना पड़े तो उसको जिसकी मात्रा बढ़ाई गई है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स 0 हो जाता है। ओके बेटा चलो, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं अपने आप को एक्सेस में अवेलेबल नहीं कराने का किसी के लिए भी।
क्योंकि यदि आपने किसी के लिए खुद को एक्सेस में अवेलेबल करा दिया अनुराग, तुम्हारा ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स जीरो हो जाएगा, तुम्हारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक्सेस में अवेलेबल हो। यार मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, मैं विशाल भी बोल सकता, तुम लोग ऐसा मतलब चलो आगे बढ़ जाए बेटा, तुम लोग को लाइव एग्जाम्पल आ गया समझ में? अरे टिक लग रही क्या बेटा? ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स समझ में आ गया ना सब लोगों को? शाबाश, हमने और नहीं पढ़ा, बहुत हार्ड हिट किया होगा तुम लोगों ने। चल आगे बढ़ते, जल्दी से मुझे रिवाइज करके बता दो बेटा। बेटा मेरे को रिवाइज करके बताओ, एस्टेरिफिकेशन कैसी रिएक्शन होती है? बाई मॉलिकुलर सेकंड ऑर्डर, बाई मॉलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर, एस्टेरिफिकेशन कैसी रिएक्शन होती है? बाई मॉलिकुलर सेकंड ऑर्डर, बाई मॉलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर, यूनी मॉलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर, यूनी मॉलिकुलर सेकंड ऑर्डर, बाई मॉलिकुलर सेकंड ऑर्डर। एस्टेरिफिकेशन की बात चल रही है, एस्टर बन रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज बाई मॉलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो यार, कचरा मत कर देना एग्जाम में भाई, एस्टर बन रहा है, एल्कोहल बहुतायत में नहीं है। अब मेरे पास वो तो बोर्ड है नहीं जो मैं पीछे जाके दिखाऊं तुमको, अपनी कॉपी पे देख लो। एस्टर जब एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां एल्कोहल एक्सेस में नहीं लिखा है मैंने, तो वो रिएक्शन बाई मॉलिकुलर है और सेकेंड ऑर्डर है। जबकि एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो पानी एक्सेस में है, तो वो रिएक्शन बाई मॉलिकुलर है पर फर्स्ट ऑर्डर है। बोलो बेटा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? एग्जाम में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते, अब अपन पढ़ेंगे एस्टेरिफिकेशन के बाद। लिखना, एस्टेरिफिकेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जल्दी लिख लो बेटा, एस्टेरिफिकेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। मैं लिख दूं यहां पर, एस्टेरिफिकेशन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, it is bimolecular second order reaction. hydrolysis is a bimolecular फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसी ने पूछा तो बता देना प्लीज। हेयर वाटर इज टेकन इन एक्सेस, देयरफॉर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज जीरो ऑर्डर। तो प्लीज सबने जीरो ऑर्डर सही है। चल क्या बेटा? बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी गुड वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसने बोला होता है, इसने बोला होता है, इसने बोला मॉलिकुलरिटी नेगेटिव में नहीं होती, नहीं होती ना। सही बात, मॉलिकुलरिटी होती क्या बताना? नहीं, तू अपना बताना उसका क्यों बोल। कितने मॉलिक्यूल टकराए किसी रिएक्शन को करवाने में, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है, करेक्ट ओरिएंटेशन में, करेक्ट एनर्जी के साथ। ऐसे ही नहीं बट टकरा गए, करेक्ट ओरिएंटेशन में, करेक्ट एनर्जी के साथ कितने मॉलिक्यूल टकराए, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। अनुराग बेटा, क्या मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन हो सकती है? क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि ढाई मॉलिक्यूल टकराए? नहीं, मॉलिक्यूल टकराए तो तीन टकराए, नहीं टकराए तो दो टकराए, ऐसा ढाई और पौने तीन का कोई सवाल नहीं। ठीक, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है। बोलो बेटा,
क्लियर दी बात। हमने किसी को भाव ज्यादा दे दिया, उससे हमें ब्लॉक कर दिया, ये नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर नेगेटिव भी होता है, ऐसे आंसुओं की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसे यार, मुझे लगा कि तो नेचुरली रोने लगा जैसे कैसे भाई यार, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ जब मजाक कर रहा हूँ यार, तू की पेस का दोस्त है इसलिए। चलो वो भी मजाक करता, मेरा दोस्त होता। चलो बेटा मैं ऐसा करता हूँ, अच्छा एक अच्छी बात करते हैं। मेरे पास डस्टर है क्या? ये रहा डस्टर। नहीं नहीं ये बेस्ट डस्टर है भाई, बाकी सब बकवास। सुनो तो बेटा, लिख लो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स एस्टरीफिकेशन। जल्दी लिखो बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई है, ठीक है बेटा। तो आप चाहें तो वहां पे लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस, डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस। अब आप मुझे जल्दी से बताओ कौन से डिग्री का अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा? शाबाश, सी एस थ्री ओ एच मोर देन सी एस थ्री सी एच टू ओ एच मोर देन CH3CH3OH isopropyl alcohol more than tertiary butyl alcohol। बोलो बच्चे। Yes। सही है। क्या लाइन आपने पकड़ ली? अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होती है काई पे डिपेंड करती है? एस्टरीफिकेशन में, स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है। मिटा दूं इसको मैं। मैं क्वेश्चन देता हूं, आप क्वेश्चन करता हूं, सभी लोग क्वेश्चन करेंगे। अब क्या करना आप, ये रहा क्वेश्चन, आपका समय चालू होता है अब। प्रोडक्ट क्या बने? जब तक मैं मिटा रहा हूं आप प्रोडक्ट बना लें। हाँ भाई, वाह खुशी जी, आपने कितनी सही बात कही। दूसरा क्वेश्चन, आपका समय शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी क्वेश्चन लॉक कर दे, दोनों कर देंगे। अरे सिंपल है ना, अभी तो बताया स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इधर आएगा इसको उड़ा देगा, कोई परेशानी नहीं। चलो बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 और ये हुआ क्या OH, ये इधर से इधर गया, ये इधर से ओ आया, सी डबल बॉन्ड ओ हुआ, सी एस सी हुआ। बोलो बेटा नीचे क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे। दोनों कर देंगे क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता था, तो अब तो रेशो तो बराबर ही हो गया, तो इसलिए अब दोनों के दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। देख लो बेटा, कोई गलती तो नहीं मेरे से? नहीं, सब सही है। चलो अगली बात जल्दी से, अब फिर से रिएक्शन करेंगे अपन सैलिसिलिक एसिड के। मिटा दूं क्या बेटा? यार थोड़ा जल्दी लिख लो भाई यार, हाँ हाँ बनवा रहे हैं बेटा, मिटा दूं। चलो चलो भाई, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? वाह क्या बात कही है आपने, OH के बगल में COH लगा हुआ है। टेक्निकली बोल दो क्या होता है ये,
अरे फिनॉल के बगल में सीओएच लगा है, मतलब सीओएच ग्रुप इतना नाराज हो जाएगा तुमसे, मतलब कुछ साइंटिफिक नाम बता इसके बगल में वो लगा, ये क्या नाम हुआ? हाँ नहीं, तुम गुड गर्ल हो, तुमने स्ट्रक्चर बता दिया, तुम गुड गर्ल हो, लेकिन तुम और गुड गर्ल बनो, तुम बताओ कि इसका सही नाम क्या होगा? हाँ बोलो, सैलिसिलिक एसिड मत बोलना, वो मैंने बता दिया, ऑर्थो हाइड्रो बेंजोइक एसिड, वो सुसाइड कर लेगा सुनते ही। हाइड्रो थोड़ी ना, हाइड्रोक्सी है, ऑक्सी को तुमने उड़ा दिया, वो नहीं बोला ना, सिर्फ हाइड्रो बोल दिया तुमने, क्लियर बेटा? इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, करेक्ट है बेटा। अब इसकी रिएक्शन में एनहाइड्राइड के साथ कराना चाहता हूं, मान लो इसकी रिएक्शन मन करा, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन कराना चाह रहे हैं हम सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री के साथ बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम लाइक टेक एसिडिक मीडियम, डन। सोचो कौन रिएक्ट करेगा, क्यों रिएक्ट करेगा? बेटा अर्शिया, ये मीटिंग जैसे ही एंड होगी आप वापस से इसमें ऐड हो जाना, मैं एक मिनट में ही वापस से मीटिंग चालू कर दूंगा, है ना बच्चे, तो आप दोबारा से उस पर ऐड हो जाना। अच्छा सर भी आ गए, बहुत बढ़िया। और बेटा कोई भी डाउट पूछना रहता है ना तो आप टाइप जरूर कर दिया करो, सर आप भी, सर बच्चे जो भी डाउट वाले हो तो प्लीज आप उनसे ना टाइप करवा दिया करो डाउट। शुभम, तू तो इतना नजदीक रहता है, यहां से दिख रहा है घर में बैठा हुआ, ठीक है चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। हाँ क्या हुआ, एस्टर बन गया, अच्छा कौन रिएक्ट किया? तीर्थ, ओ एच, तीर्थ तुम यार जबरदस्त आदमी, बस तुम आगे चल के ऑर्निक ही ऑर्निक पढ़ना चाह रहे हो ऐसा लग रहा है। ओ एच है, क्लियर है, तो ओ का लोन पेयर कहाँ जाएगा? सी के पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा, और इधर से ये उड़ जाएगा, क्यों उड़ गया? रेजोनेंस से क्या बात कही है, मजा आ गया सुनते, विशाल छा गया यार तुम्हें, वो क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि वो आ गया, बात तो सही है, लेकिन बेटा थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं ना बच्चे, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इसलिए उड़ गया, क्योंकि वो आया इसलिए वो गया, ये तो मतलब सही है, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था इसलिए गया, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा टेक्निकल लगता है, अच्छा लगेगा सुन के, ठीक बेटा। तो अब नहीं, मैं चाहता हूं आप सब्जेक्ट जब भी पढ़े सब्जेक्ट सोच सोच के पढ़े, मतलब तभी आनंद है सब्जेक्ट पढ़ने का, नहीं तो क्या मतलब, उसके बाद नीट में आना तो क्या है आपको पता है, चिब्बल चिब्बल लिटिल स्टार आना, कुछ नहीं आना, लेकिन इसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो खुद ही याद हो जाएगा कि सब याद है। आप एक बार पढ़ के तो देखो एनसीईआरटी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो आपको समझ में आएगा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया जो मुझे ऑलरेडी याद नहीं। आओ बच्चे, अरे तुमने एकदम सही बात, तीर्थ यार तुम अर्निक के चैंपियन आदमी का, चलो भाई एक और, अब की बारी सी एस थ्री ओ एच ओब्लिक एच प्लस आई, बोलो भाई कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा? वही लोन पे जाएगा यार, इस बार इसका लोन पे जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ऐसा इससे बोला, इसका इसका देखना इससे क्या बोला, इससे बोला हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर का होना जरूरी होता है, कहाँ दिख रहा है तुम्हें वाटर? H प्लस आइन यदि टूट गया बेटा तो उसको H प्लस आइनोलिसिस बोलेंगे ना, हाइड्रोलिसिस तो नहीं बोलेंगे भाई, से बीच बीच में ऐसे चुटकुले क्यों सुनाते रहते हो यार, एल्कोहोलिसिस बोल देते तो भी मान लेता, अब बोल दिया हाइड्रोलिसिस होगा। हाँ और बोलो बेटा, बोलो बोलो,
घबराओ मत, बोलो। हाँ बोलो। ओ का लोन पर जाएगा सी पे, ओ का लोन पर जाएगा सी पे। बेटा यहाँ पे 10-20 सी हैं, कौन सी सी पे? एसेट वाले सी पे जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब ये वाला लोन पेयर जो है, क्योंकि इसकी और इसकी रिएक्शन होनी है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये रिएक्ट कर जाए। ओ का लोन पेयर यदि ओ के पास चला गया तो एक दूसरे को मुक्के मार के भगा देंगे वो, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज। यदि एच के पास गया तो कहेगा चाचा दो इलेक्ट्रॉन ले सकते थे, ले चुके, अब हम नहीं खेलेंगे। उसने बोला इधर मैं तो इधर अटैक करूंगा, तो करोगे क्या अटैक करके? कोई है ही नहीं जो इंटरेक्ट करे, तो कहां अटैक करेगा? जहां पॉजिटिव चार्ज होगा। कहेगा कहां है पॉजिटिव चार्ज? तो बोले ये लिया पॉजिटिव चार्ज, तो अल्कोहल दौड़ इधर जाएगा, इसको उड़ा दे। बोलो हो, तो अब क्या बन गया? अरे इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? कौन सा लिसेज होगा ये बताओ? अल्कोहल लिसेज होगा। OCH3 बन जाएगा, ठीक है बेटा। एस्टरीफिकेशन हो गया, OH बन गया। बोले बेटा अच्छा वो एसिटाइल सैलिसिलेट हो गया, तो मुझे अकेले आता है या सैलिसिल एसिटेट भी बोल सकते हैं, या 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। क्या बेटा? 2-एसिटॉक्सी। देखना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, जल्दी बताओ मेरे को, इनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ऊपर वाला नीचे वाला, ये नहीं पूछा कौन सा है, ऊपर वाला है या नीचे वाला है? COH फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये। सही बात है, नॉमनक्लेचर में हम दूसरों को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप ही, लेकिन मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ये, तो ये 1 हुआ तो ये 2 हुआ। सेकंड पोजीशन पे मेरे पास ये एसिटाइल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन है, तो इसको एसिटॉक्सी बोल दो। अरे बोलो बेटा, CH3CO क्या है? एसिटाइल ग्रुप है और O लगा हुआ है, तो उसको एसिड ऑक्सी बोल दो। तो मैंने इसको बोल दिया 2-एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो लिख लो 2-एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड, सही है बेटा, या बेंजोइक एसिड नहीं बोल सकता, सॉरी सैलिसिलिक एसिड नहीं, मेरी गलती है ना, अरे मेरी गलती है, सैलिसिलिक एसिड नहीं, सैलिसिलिक एसिड तो है ही नहीं, वो तो खत्म हो गई, तो ये होगा 2-एसिटॉक्सी, मेरी गलती, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब सुनो, जिन्हें मैंने कंफ्यूज कर दिया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं, ये बेंजोइक एसिड है जिसपे एसिटॉक्सी जुड़ा हुआ है, वो भी सेकंड पोजीशन पे, तो नाम होगा 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसको बेटा एस्पिरिन बोलते हैं। और आपको एक बताऊं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार तो बेटा एग्जाम हॉल में अंदर घुसने से पहले पूछते हैं, नहीं बता पाओ तो भगा देते। आइए, क्लियर थी बात? एस्पिरिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यदि मैं गलत नहीं बोला तो एक ही बार, एक बार में एक ही पेपर में 2 बार इस पे क्वेश्चन आ गया था। हाँ, अब नहीं 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 बेटा, अब मुझे ये याद नहीं आ रहा, बायो में अलग आया था, इसमें अलग आया था, केमिस्ट्री में 2 जगह यही क्वेश्चन पूछ लिया था, पर ये हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, एक ही पेपर में 2 जगह पूछ लिया गया था। ये मैंने क्या कर दिया, एक ज्ञानी पधारो, अबे विंडो तो वहां है, चल लगा रहे मजाक मत कर, ऑनलाइन लेक्चर। क्या बोले बेटा? दोनों रिएक्शन अपन ने कराई, दोनों रिएक्शन में रिएक्शन में ये वाला ओ का लोन पे इधर अटैक किया, हाँ सही, फिर नीचे वाली पे तो ये वाला ओ इधर अटैक करेगा, क्योंकि ये वाला इधर तो अटैक कर नहीं सकता, नहीं यार मैं बताता हूँ तुम्हारा क्वेश्चन काफी जेन्युइन क्वेश्चन, तुमने क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन, भले इससे पूछा कि नहीं पूछा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बताता हूँ इससे क्या पूछा। इसने पूछा कि ये वाला इधर अटैक करने क्यों नहीं किया,
यही पूछा, ये उठ के यहां अटैक करने के लिए चला जाता, ऐसा था क्या बेटा? एक सेकंड प्लीज चुप रहो, मैं क्वेश्चन समझना चाहता हूँ, उससे क्या आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी, है ना। मैं मेरे को ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं जिनमें बच्चा पूछा इधर अटैक क्यों नहीं करा दिया, इधर क्यों नहीं करा दिया, इधर क्यों नहीं करा दिया। ठीक, तो बेटा मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे वापस से पूछ रहा हूँ, किसका अटैक कराना था? पहली वाली में इसका अटैक इधर कराया था, ठीक। अब क्या चाहते हो? इसने इस पर अटैक कर दिया, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी आज। हाँ, नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, लोन पे, लोन पे कब से अटैक करने लगा? दोनों सेम चार्ज, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब मॉलिक्यूल में ये टेंडेंसी नहीं होती कि एक लोन पे दूसरे लोन पे को देखे और फालतू में जाके कूट के आए, समझ रहे बात को? ये वाली यदि आपकी मंशा थी कि लोन पे इधर था, लोन पे इधर था, इन दोनों की आंखों में खून उतर आया होगा, इनने एक दूसरे को मुक्के मुक्के मारे, नहीं। जब तक वो इसके एरिया में किसी कारण से ना जाए तब तक रिपल्शन नहीं होता। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया कि और भी कुछ पूछना चाहते हो वो भी बता दीजिए, कि ये वाला इधर से इधर गया, ये वाला इधर से इधर क्यों गया? वो भी तो जा सकता था, एक स्वाभिमानी इंसान इस बात को सोच सकता। बोलो बेटा, बच्चे, इट इज लोन पेयर विच मूव्स, इट इज नेवर द पर्सन विच मूव्स। लोन पेयर हल्के होते हैं, लोन पेयर मूव करते हैं, प्रोटॉन भारी होता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता। बेटा मूव ऑन नहीं बोल रहा हूँ, तो इतनी गहरी बात मत कर उसको, समझा? ताली बजा रहा हूँ बेटा, बहुत गहरी बात कह रही आपने। मेरे भाई, लोन पेयर को मूव करने के लिए अगेन प्रोटॉन का मूव करना जरूरी नहीं है। ये अपनी जगह ही ऑक्सीजन बैठा रहेगा, इसका लोन पेयर ऐसा होता है जूम, तो वो जाता है अटैक करने के लिए, जैसे छिपकली की वो होती है ना जीप, ऐसे बाहर निकलती है और फिर वापस आए। तुम्हें ये नहीं पता? चल तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें ही नहीं पता? अरे छिपकली में फोल्डेड वो होती है, क्या नाम है उसका, जी हाँ, तो गिलगिट भी तो छिपकली का भाई है। कुल मिला के एग्जाम्पल आ गया समझ में, आगे बढ़ते। एक और रिएक्शन बेटा, C6H5COH। आप लोग सोचते जाओ, अपना प्रश्न पूछते जाओ, मुझे अच्छा लगता है। बिना प्रश्न पूछे किसी ने आज तक केमिस्ट्री नहीं सीखी। चलो बेटा, कौन अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा, मुझे बताओ बड़ा बड़ा, कौन अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा? सही बात है, इसने कहा कि इसका लोन पेयर उधर अटैक करेगा, इसने कहा कि ये तो रेजोनेंस में ही अटैक नहीं करेगा, इसने कहा कि दो में से एक बचा है, इसने भी कहा ये बात। तुम सबने सही कहा, सत्य वचन, एक लोन पेयर तो बचा है ना भैया, तो जो एक लोन पेयर बचा है वहां पे अटैक कर देगा। हालांकि इस लोन पेयर के नीचे जाते ही इसके टकले पे पॉजिटिव चार्ज आने लग जाता है, और इसके टकले पे पॉजिटिव चार्ज आते ही इसका बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा, बोलो हाउ। लेकिन एक बात तय है कि ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा समय टिकेगा नहीं, इसका स्ट्रक्चर ज्यादातर समय इधर लोन पेयर अवेलेबल रहेगा। हालांकि यदि कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो इसका sp2 बोलना है, क्योंकि लोन पेयर अंदर गया, बोलो हाउ। पर कुछ भी हो, एक लोन पेयर तो बचा था ना, एक लोन पेयर यहां से चला, बोलो कहां गया, सीधा इधर से होता हुआ इधर गया, अटैक कर दिया, बोलो बेटा, और क्या बन गया, OHC OC6H5, चमका, चमक गया बेटा। चलो ऊपर वाला जो था, एक को बोलते हैं मिथाइल सेलिसिलेट ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, यार ये मैंने रिएक्शन करा दी थी यहाँ पे, मिथाइल सेलिसिलेट ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, और एक क्या हो जाएगा, फिनाइल, एक क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट फिनाइल सेलिसिलेट सलल बोलते हैं इसको, सलल एंटीसेप्टिक होता है। अच्छा सैलॉल, सही बोल रही थी,
फिनाइल सैलिसिलेट सैलॉल ओएल है ठीक है बेटा, नहीं इंपॉर्टेंट है ये सब तो लिख लेना, इट इज एंटीसेप्टिक सैलॉल ठीक है बच्चे। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखे तुम में से कौन बताता है। इधर बना दूँ छोटा सा या मिटा के बनाता हूँ? अरे ऊपर वाला तो मिटा लेंगे। चलो हटा, मैं नहीं खेलूँ, जल्दी करो यार। एक बढ़िया क्वेश्चन एकदम ले रहा था, वो क्वेश्चन दिमाग में आया है, दो क्वेश्चन आए दिमाग में एकदम अच्छे, मिटा दूँ? कहता है अच्छा हाँ ठीक है, मिटाओ बेटा। सुनो बेटा, ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ग्रीन ऑयल, आदिवासी ऑयल, ये अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सब मैंने नहीं रटा है, मुझे माफ कर दें इसके लिए। हाँ तो सी एच ओ आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन आदिवासी थे, मैं तो खुद ही लगा रहा हूं। अब वो आए कि नहीं आए ये तो नहीं कह सकता, लेकिन सामने के तो आ गए, पीछे के बाकी हैं। चलो पर सामने के मेरे पहले से ही थे, पर आओ आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। हाँ बेटा NaBH4 मैंने यहाँ पे रख दिया, क्या रख दिया है? NaBH4 डन। चलो बताओ क्या बनेगा बेटा, बता दे होशियार बच्चे, आज बता दे। एक तो तुम लोग एक दूसरे का आंसर चोरी करते हो, जो एक बोल रहा होता है बिल्कुल वही छुड़ा लेते हो उसके मुंह से। हाँ बेटा CHO रिड्यूस होके OH बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा, ऐसा बोल रहे भगवान के लिए, ऐसा बोल रहे CHOOH कैसे बन जाएगा, कार्बन कहाँ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन के भग गया क्या? अब एक रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग, ऐसा बोल दे ना CH2OH बन जाएगा। गुड तीर्थ यू डिड इट, सी डबल बॉन्ड OH। क्यों भैया एसिड का रिडक्शन NaBH4 नहीं करा था क्या? एसिड का रिडक्शन नहीं करा था, तो सही बोल रही है, मैं नहीं करा था। सही है, सही है, अरे मैं तो बस ऐसे ही मजा कर। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कराता है एसिड का रिडक्शन, वो करा देता है, NaBH4 नहीं कराता। NaBH4 एसिड के किस डेरिवेटिव का? एसिड क्लोराइड का कराता, कल ही पढ़ाया था। ए बेटा चलो ये क्या बन जाएगा CH2OH, इसके आगे कोई भविष्य दे रहा है तुम लोगों को दिखाई? हाँ हाँ H2O क्या ऐसा हो सकता है, ये यहाँ से यहाँ अटैक करके इधर से निकल जाए, यदि ऐसा हुआ तो फाइव मेंबर रिंग हो गई। क्या पांच मेंबर की रिंग स्टेबल होती है? होती है बेटा, पांच और छह की स्टेबल होती है, पांच और छह की स्टेबल होती है। हाँ याद रख, फाइव और सिक्स मेंबर रिंग स्टेबल रिंग होती है। भाई प्लीज एसी बंद कर देना भैया। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो बोलते हैं ऐसी बंद करवा दो। चलो गाइस बताओ क्या रिएक्शन होगी, अरे वो बस ऐसे ही धरा, बताओ क्या रिएक्शन होगी, होगी तो वाह बेटा वाह, क्या बात कही, कितना भारी शब्द यूज किया, इंट्रा मॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सत्य वचन, क्या होशियार कन्या ने सही बोला?
हाँ सही बोला ना, और मीडियम थोड़ा सा एसिडिक ले लो तो और मजा आ जाए, बोलो हाओ। मीडियम थोड़ा सा एसिडिक ले लो तो और मजा आ जाए, बोलो हाओ। हो जाएगी रिएक्शन के नहीं हो जाएगी? सस्पेक्टेड स्पाउ, क्यों उठाओ पागल है? मैं तो नौ लोगों के फोन नहीं उठाते, तो अनोन चलो फोन बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। एक दो तीन चार पांच, देखो ऐसे ही बनेगा क्या बेटा? और अठारह देख ले बेटा, मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई है क्या? मैंने एकदम सही बनाया है, एकदम सही है। चलो बच्चों किसका मैं करूँ? इसका ले बाद में कहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, याद कर। ये एच प्लस साइन इधर वेल दिया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था इस पर, इधर से ब्रेक हुआ था इधर आ गया। वैसे इसका रियल मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होता है बेटा, लेकिन फालतू का कॉम्प्लिकेशन है, जितनी मदद नहीं करेगा उससे ज़्यादा तुम्हारे कचरे करा देगा, हमें क्या फायदा? देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, आईआईटी में क्वेश्चन क्या आना है वो समझ। क्वेश्चन ये आना है कि जब इनकी रिएक्शन होगी तो कौन सा सी ओ बॉन्ड टूटेगा, ये वाला सी ओ टूटेगा और वो वाला, इसीलिए इधर मैंने 18 लगा के दिया, ठीक है? तो क्वेश्चन यही पूछेगा 18 बचेगा कि 18 जाएगा। अब दो ही चीज़ें हो सकती है, देखो पहले के जमाने जब मैंने तैयारी की तब तो मैकेनिज्म बहुत ही सुंदर होते थे, मजे यार देख के, तब तो मैकेनिज्म बहुत ही बढ़िया थे, कोई मतलब कोई टेंशन ही नहीं होती थी आपको। हो गया खत्म, क्लियर की बात? ये मैकेनिज्म समझे आप? अब थोड़ा सा हम समझा देते हैं, पहले यही मैकेनिज्म था, वुड सिलेक्शन का मैकेनिज्म इतना सुंदर था कि देखते ही दिल खुश हो जाता था। लो भैया है क्या मैकेनिज्म? इससे ज्यादा पूछो तो इससे ज्यादा बोलते थे, तुम्हें नहीं आएगा समझ। सबसे बड़ी है तो स्टूडेंट को बोलते तुम्हें नहीं आएगा समझ, बिठा दू क्या यार? भाई प्लीज एसी बंद कर दो ना भाई साहब, प्लीज एसी बंद कर दें आप। क्या हम रोज नहा धो के आते हैं तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती? आपका व्रत चल रहा है, महीना भर वाला चल रहा होगा? नहीं चल, अच्छा चल गए। अब पढ़ो अगला, लिखा बेटा, इफ अल्फा कार्बन ऑफ एसिड इज मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, इफ अल्फा कार्बन ऑफ एसिड इज, इफ अल्फा कार्बन ऑफ एसिड इज स्टेरिकली हिंडर्ड, देन सोचो, मान लो बेटा सी ओ एच है, आर है, आर डैश है, और ये रिंगवा है, करेक्ट है बेटा? और ये क्या है? रिंगवा है। अब इस पे अटैक होना है सी एस थ्री ओ एच का, सोचो इधर हिंड्रेंस, इधर हिंड्रेंस, बोलो बेटा हिंड्रेंस ज्यादा, तो एक काम ये हो सकता है कि एच प्लस साइन आए, बोलो बेटा इधर आके जुड़ गया एच प्लस साइन, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इधर से इधर अटैक करे और ये बाहर चला जाए, पर इस केस में ये आर और ये आर इन्हें हिंड्रेंस करके रखा हुआ है, तो इनके हिंड्रेंस करने से क्या होगा, इसका इधर एंटर होना क्या होगा, मुश्किल पड़ जाएगा, बोलो ना बेटा। तो ये इस एरिया पे तो नहीं आने वाला, बोलो बच्चों इस एरिया पे नहीं आएगा, उसने कोशिश करी होगी कि चलो आओ अटैक करें, ठीक बेटा टूट के भगा दी ये लोग, तो ये वाला रास्ता तो उसका बंद हो गया। उसने कहा भाई साहब मैंने तो बहुत कोशिश करी अटैक करने की, लेकिन आर आर डैश और आर ने मुझे बहुत मारा, मैं तो नहीं कर पाया अटैक वहां पे, क्लियर है? तो अब ये क्या होगा, इधर हिंड्रेंस भी है, यदि आगे रिएक्शन प्रोसीड करनी है या तो ये हो कि नो रिएक्शन ही हो जाए, पर यदि रिएक्शन प्रोसीड करनी है तो जलुआ बाहर जाएगा,
और जैसे ही जलुआ यहां से बाहर गया यहां पे क्या बन जाएगा, ये R हो गया बेटा और ये क्या हो गया R डैश, और इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसा एलिनियम आयन बन जाएगा। बोलो बच्चे क्या बन जाएगा, ऐसा एलिनियम आयन बन जाएगा। अब इसके ऊपर CH3OH का अटैक होगा, ठीक। अब क्या हुआ बच्चे, ये 18 चला गया यहां से तो आईआईटी में क्वेश्चन बन जाएगा या मेडिकल में बन जाएगा यदि लेवल इस साल बढ़ा दिया तो, ठीक है बेटा। बेसिक बात हो गई कि नहीं हो गई, अब तक 18 ये 18 जा रहा था, अच्छा अभी भी तो 18 ही गया था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सेम ही रहा, लेकिन बस ये इंटरमीडिएट बदल गया और कुछ नहीं, प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोडक्ट तो सेम ही बना। बेटा वो ये भी पहले था, ये भी था, ये भी था, उसके बीच में ये था, अरे बच्चे मान लिया ओ पे पॉजिटिव चार्ज आया, वो स्टेबल था क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था। तुम नहीं समझ रही बात को, अरे कार्बोकेटाइन स्टेबल अनस्टेबल होते हैं वो बात सही है, पर स्टेबल अनस्टेबल में स्टेबल अनस्टेबल होते हैं कार्बोकेटाइन, ये बात सत्य है, परंतु बेटा कार्बोकेटाइन होते तो अनस्टेबल ही है, तो वो स्टेबल अमाउंट अनस्टेबल होते हैं। किसी का कोई हाथ काट ले गया, हालांकि बड़ा तकलीफ दे एग्जाम्पल है, और किसी कोई उंगली काट ले गया, अरे दोनों में कटा तो है, उंगली कट गई, नहीं तो क्या कहते हैं हाथ कट गया। बोले बच्चे तो दोनों में हुई तो दिक्कत ही है ना, क्या बोले हाँ नहीं उसकी तो उंगली कटी, उसको तो मजा आ रहा होगा, दर्द होगा विशाल, होगा कि नहीं होगा। तो भाई साहब कुछ भी जाना इज नॉट गुड, मतलब पॉजिटिव चार्ज आया, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल कौन सा है, जिसका हाथ कटा उसे पट्टी कर दी, और दूसरे का हाथ कटा उसे पट्टी भी नहीं करी, लेकिन दोनों का सिचुएशन है तो खराब ना, तो हम क्या चाहेंगे, चार्ज जाए, चार्ज कैसे जाएगा, रिएक्ट करके जाए। जी हाँ, इसमें पहले निकाल दिया तो अटैक नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि काफी ज्यादा फैक्चुअल है, हो सकता है आईआईटी एडवांस में कोई पूछ ले कि इसके बेसिक मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या बनता है, बोल देना एसिलिनियम एसिलिनियम आयन बनेगा, वैसे कोई ना पूछ रहा, मेडिकल में तो उल्टी सीधी बातें आती नहीं। चलो भैया हो गया टाइम, अभी थोड़ी ना वो हो रहा है, चलो 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 जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, हो गया बच्चे, एक और मिटा दूं क्या बेटा, मान लो एस्टर में ही मेरे पास ये कंडीशन है, सभी लोग प्लीज ध्यान से सुनेंगे, मान लो एस्टर में ही मेरे पास ये वाली कंडीशन होती, ये एस्टर है और ये जो आर डैश है, यदि ये काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा हो, क्या बना रहा हो, काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा हो तो क्या होगा, समझना मेरी बात को ध्यान से बेटा। इधर बचा CH3OH, लॉजिकल क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दें सभी लोग, इधर से H+ आया, इधर जुड़ गया, अरे ये H+ को लेने आया ना, CH3C डबल बॉन्ड O O R डैश H टकल पॉजिटिव चार्ज बेटा। अब R पॉजिटिव काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, दो रिएक्शन हो सकते थे, या तो CH3OH इधर अटैक करता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती, न्यूक्लियोफाइल ऐड होता, न्यूक्लियोफाइल बाहर जाता, और दूसरा ये भी हो सकता था क्योंकि ये काफी ज्यादा स्टेबल था तो ये इस डायरेक्शन में पुल हो जाता, R पॉजिटिव बन जाता,
बोलो ना। तो यदि आर डैश कभी सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री रहा या पी एच सी पी एच पी एच रहा, प्लीज ध्यान से सुने, तो ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ये हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो क्या होगा उस केस में, सीओ बॉन्ड ना टूट के आरओ बॉन्ड टूटे, तुम्हें नहीं आया कल के दिन एग्जामिनर ने चाचा यहाँ पे 18 लिख दिया और यहाँ पे ये वाले ग्रुप लगा दिए, तो क्या होगा, तुम्हारा आंसर तो गलत आ जाएगा क्योंकि तुम तो ये वाला उड़ाने वाले हो, जबकि उड़ेगा कौन सा, क्योंकि कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल बन रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी वो बढ़ जाएगी। मेरी बात को ध्यान सुनना सभी लोग प्लीज। जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अंदर घुस के अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल जब अंदर घुसता है तो क्या चीज होती होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होता होगा। बोलो बच्चे, पहले ऐड हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ओ के टकले से नेगेटिव चार्ज बाहर आया, फिर ये बाहर गया, इसमें कुछ ना कुछ तो तकलीफें होंगी ना। तो उसने कहा भाई साहब कार्बोकैटायन बहुत ही ज्यादा स्टेबल बन रहा है, एक काम करते कार्बोकैटायन बना लेते। अब कौन सा कार्बोकैटायन बनाना, वो फैक्ट हो गया, वो फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। यदि ये आर डैश ग्रुप इनमें से कोई हो तो इससे बना हुआ कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होगा और उस केस में सीओ बॉन्ड ना टूट के ओआर बॉन्ड टूट जाएगा। ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ये लॉजिकल है और सब्जेक्ट रिलेटेड है। तो नहीं आया, हाँ पूछ, घबरा आर हिंड्रेड तो एसाइलिनियम आयन बनेगा, आर हिंड्रेड नहीं है। यदि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही है। ये वाला पॉइंट क्या, उसके लास्ट वाला एसाइलिनियम वाला लास्ट पॉइंट को, ये वाला, अरे इसमें क्या बड़ी बात, जैसे केयरफुल देखो इसमें क्या हुआ है बेटा, ये वाला ग्रुप या तो ये हो या तो ये हो, ठीक। अब दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है, या तो ये ओ पे एच आ चुका है, अब दो बॉन्ड टूट सकते थे बेटा, या तो ये टूटता या तो ये टूटता, ये बॉन्ड टूटता तो इसको आना पड़ता। जब ये आएगा न्यूक्लियोफाइल तो इसकी रिएक्शन कैसे होती है, पहले न्यूक्लियोफाइल आके ऐड करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, चाचा बाहर चले जाते हैं। बोले बेटा इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस तो होगी ना बेटा, कार्बन पे आके अटैक कर रहे तो उसके आसपास जो जो लोग बैठे हुए हैं वो कुछ तो हिंड्रेंस करेंगे, सही है। तो उसने कहा एक काम करते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो इसमें एक टेंडेंसी रही होगी क्यों ना कार्बोकैटायन बना दिया जाए और अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर लिया जाए, तो इसके पहले अटैक हो इसकी स्टेबिलिटी के कारण उसने कार्बोकैटायन बना दिया। कार्बोकैटायन क्या बन गया, C6H5C पॉजिटिव C6H5C6H5 हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन है। अब इसके ऊपर CH3OH का अटैक हुआ, बना वही जो बिना मैकेनिज्म के भी बनता, लेकिन अंतर इतना आएगा कि यहां उसने 18 लिख दिया तो अब की बार 18 किसके साथ गया, एसिड के साथ गया। बोलो बेटा अब की बार 18 तो एसिड के साथ चला गया और जो R के साथ O गया है वो कौन सा गया, ROCH3 गया। मुझे अकेले आ रहा है, आ गया कि नहीं आ गया, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया तुम्हारे पास, हाँ बेटा क्या कुछ, हाँ टाइम हो गया क्या, आया कि नहीं आया। मान लो यहाँ पे पानी होता तो क्या होता बेटा, मान लो इसकी जगह पानी रख दूँ तो क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे, अरे बोलो ना यार, हालांकि इससे इसको पानी कर दो, क्या इसको पानी कर दो, पानी कर दो, कर दिया, तो जब पानी करोगे इसको तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, ये बन जाएगा C6H5 होल थ्राइस COH प्लस CH3COOH, क्या यहाँ 18 लगा दूँ, मैकेनिज्म आया सब कुछ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा हो गया। अब आता है हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम, हाँ तो जल्दी लिखो,
तब तक मैं जल ग्रहण कर लूं। हो गया, चलो लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, मिटा दो, लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। अब जरा कॉपी को ध्यान से पढ़ना, दो स्पेसिफिक सिचुएशन लिखाई है, उसके पहले सब कुछ सरल था, दो स्पेसिफिक सिचुएशन लिखाई है उसमें थोड़ा सा मामला डिफिकल्ट हुआ है। कौन सा वाला? आखिरी वाली दो, उसके अलावा तो सब सरल था, ठीक है ना। तो याद करने के तरीके क्या होते हैं, जो लॉजिक में फिट हो गया फिट हो गया, और जो लॉजिक में फिट नहीं हुआ उसको हमें याद करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? और कोई कितना भी बोल ले इधर उधर, लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेगी, ठीक, और वो भी दो चीजें काय में काम आएंगी, आईआईटी मेडिकल में उतना ज्यादा आते नहीं, मेडिकल में जो शुरू वाली पढ़ाई थी वो मस्त, ठीक है, जेई में वो दोनों भी पढ़नी पड़ेगी, क्या करें बेटा, पढ़ना पड़ता। आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में क्या पढ़ा रहा हूं मैं, अल्कोहल। अब टॉपिक लिखो आप लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। इसके बाद किताब सॉल्व करोगे मजा आ जाएगा। एस्टर लिखो, CH3 डबल बॉन्ड ओ CH3 बोलो बेटा, बेसिक मीडियम में क्या ले लूं, NaOH ले लूं, OH नेगेटिव आएगा, सही है। अब किसका अटैक होगा, कहां होगा, क्यों होगा, बोलो बेटा जल्दी बोलो। सी के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक होगा, किसका होगा, ओ के लोन पेयर का अटैक होगा। क्या आपके पास कोई आपत्ति है, आपको आपत्ति करना चाहते हो, मिलोड मिलोड मुझे इस बात से आपत्ति है, यार क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोग सोचने वाले बच्चे हो, ऐसी बातें मत किया करो, बोलो आपत्ति है, क्या आपत्ति है ये बोलो। गुड 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 गुड, OR नेगेटिव, OCH3 नेगेटिव बेड लिविंग ग्रुप है, और OCH3 नेगेटिव की स्टेबिलिटी OH नेगेटिव से कम है कि ज्यादा है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी है, OCH3 की अच्छी है, तो मिलोर्ड आपने आपत्ति क्यों नहीं ली, आपको आपत्ति लेनी चाहिए थी ना कि एक अच्छी भैंस भगा रहे हो, इसके ऊपर क्या लगाना है वो सोच रहा हूं। हाँ भाई तुम्हें बोलना चाहिए था ना, OCH3 नेगेटिव भगा रहे हो, वो तो अच्छी भैंस है, OH नेगेटिव उतनी अच्छी भैंस थोड़ी ना, भैंस मतलब बेस, तो आपने अच्छी भैंस क्यों भगाई, इसका उत्तर दे सकता है कोई मेरे को, ऐसा कैसे हुआ होगा, नहीं दे सकता, मैं देता हूं, सुनो मेरी बात को ध्यान से बताओ। एक कंसेप्ट होता है, एक चैप्टर होता है, उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? थर्मोडायनेमिक्स एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी का क्या मतलब होता है? एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क। व्हाट इज द यूजफुल वर्क? डूइंग अ केमिकल रिएक्शन इज अ यूजफुल वर्क। मोर द कंसंट्रेशन मोर द एनर्जी, मोर द कंसंट्रेशन मोर द एनर्जी। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्ट करने की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसलिए बेटा यहां पे हाई कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। बोला हाँ। तो इसका हाई कंसंट्रेशन जब आप लोगे तो वो इसको रिप्लेस कर सकता है। नहीं आया तुमको भाई साहब, समझे बात को? वाटर को एक्सेस में लिया था और एक्सेस में लेके अपन ने ऐसी चीज को उड़ा दिया था जो कि उससे ज्यादा स्टेबल थी। बोला ना बेटा, तो ये काम किया जा सकता है बशर्ते आप यहां बार 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 पिंच करते जाओ। अब सोचो होगा क्या, एक्सेस में लेने से तीरथ क्या होगा, एक्सेस में लिया तो वो इधर से इधर आया, चाचा ऊपर गए, ऊपर से जब नीचे आए तो उन्होंने कहा OH नेगेटिव तुम ही कमजोर हो, निकलो बाहर। CH3 नेगेटिव को बोला तू निकल बाहर, उसने बोला अपने चेहरा देख के आ तू जरा, मैं सी नेगेटिव हूं तू ओ नेगेटिव है, तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज शोभा देता है, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज शोभा नहीं देता, मैं तुझसे ज्यादा अच्छी भैंस हूं, पूछ कार्बन से किसको जाना है। कार्बन ने कहा सुनो तुम दो डिसाइड कर लो, अरे कालू को कुछ मत बोलना,
क्लियर जी बात, हमारा कार्बन हमको प्यारा है तो कार्बन तो कहीं नहीं जा रहा, बोलो हो तो कौन बाहर जाएगा, ओ सी एस सी के OH, OH ही जाता, लेकिन OH तो मधुमक्खी का छत्ता है, एक बाहर निकाला दूसरा आएगा, दूसरा निकाला तीसरा आएगा, तीसरा चौथा आएगा, दूसरा गिव्स एनर्जी बढ़ी हुई है, आखिरकार ये हार थक के इसको ही जाना पड़ेगा, समझ रहे बात को, आपको थर्मोडायनेमिक्स इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना समझे भी समझ में आ जाता है। तो इसमें भाई साहब इसका कंसंट्रेशन हाई लेना पड़ा ना, तो मुझे आप बता सकते हो किस प्रकार की रिएक्शन है, स्यूडो क्यों होगी, इसका कंसंट्रेशन तो मेटर कर रहा है ना, बाई मॉलिक्यूलर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि OH का कंसंट्रेशन, बहुत बड़ी बात कह गए तीर्थ तुम, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ, इस पर डिपेंड करेगा क्या रेट ऑफ रिएक्शन, अबे उसको लोग ही नहीं तो रिएक्शन कौन करेगा, और ये क्या है OH नेगेटिव, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आगे जाएगा, की पावर वन की पावर वन, बाई मॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बोलो क्या बेटा, किसको, नहीं नहीं लेकिन इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड तो करता है, हाई कंसंट्रेशन पे तो रिएक्शन होगी ना, एक्सेस नहीं लिखना, तुम ऐसा बोलो इसको हाई कंसंट्रेशन लेना, बिना उसके रिएक्शन ही नहीं होगी, हाँ एक्सेस हो जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, लेकिन सुनो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी आज, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ऐसा होता है जीवन, कोई आंसू कोई नहीं लेके आए, ठीक है, ऐसा होता है जीवन में कभी कभी शुरुआती रूप में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती है, थोड़े दिन बाद जीरो ऑर्डर हो जाती है, मैं आपको बताता हूं, मतलब एक हद तक यदि बढ़ा तो ओके, याद करो तुम लोग इधर उधर मत बटको, एक मेटल की सरफेस है, निखिल की सरफेस है, निखिल की सरफेस है, उस पर आके सेटल हो रहा है कौन, एल्कीन और H2, शुरुआती रूप में जब आप H2 को दोगे तो इट विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, लेकिन फिर आपने कहा और लाल बेहतरीन और H2 आन दो तो पूरी सरफेस ही कवर हो जाएगी, एक बार सरफेस कवर हो गई तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, तो भाई हाई कंसंट्रेशन तो तुमने चाहिए, लेकिन यदि हाई से भी ज्यादा हाई करोगे तो कोई भी रिएक्शन अपना ऑर्डर लूज कर देगी, बेटा किसी भी चीज को एक्सेस में कर दोगे तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाएगा, लेकिन यदि उसके उस रिएक्शन को कराने के लिए ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन चाहिए तो ऑर्डर में काउंट होगा, ठीक है ना, मेजरली तो बेटा ऐसा, देख मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं बोलूंगा कोई भी रिएक्शन हो दुनिया में दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही, ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक चीज को एक्सेस करा के आप उसके ऑर्डर को जीरो ना करा पाओ, मुझे अकेले समझ में आ रहा है एक बात, नहीं नहीं कराई ना बेटा, अपन को एक्सेस में ले जा, सबसे पहले तो अपन को उसका कंसंट्रेशन हाई करना पड़ा तब जाके रिएक्शन हुई है, इस कंडीशन में ठीक है, तो इसी कंडीशन की बात कर रहे हैं, यदि किसी ने एक्सेस लिख दिया तो जीरो लिख ही देंगे, तो उसमें तो अपन ने कर सिरो ये वाली जो रिएक्शन है भी एक्स के साथ में, क्या बोले हाइड्रोलिसिस और एस्टर में जीरो ऑर्डर लिखा है ना वाटर के साथ, वाटर के साथ जीरो ऑर्डर है ना, वाटर के लिए जीरो ऑर्डर है, मतलब आप रिस्पेक्ट में बोल रहे हो जीरो ऑर्डर, वो होल जीरो ऑर्डर नहीं होगा, अरे पूरी रिएक्शन जीरो ऑर्डर कैसे हो सकती है, कि तुम लोग क्या मतलब, बिल्कुल वाटर के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, एस्टर के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर थी, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा था, मैंने सोचा कि वो इतना ज्यादा बढ़िया कि अब ये है ही नहीं तो क्या रिएक्शन उसके कंपैरिजन में, भाई साहब तुम दोनों चीजों को उड़ा दोगे तो फिर रिएक्शन ही क्यों करवा रहे हो, चलो कोई बात नहीं हो जाता है, अब लिखो बेटा, नहीं बेटा जीरो ऑर्डर का मतलब होता है जब किसी के होने ना होने से प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना, आप चाहें तो किसी को इनडायरेक्टली बोल सकते हैं मेरा होना ना होना जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
ये ताने मारने के लिए केमिस्ट्री का इस्तेमाल मत करना, ठीक है? लाओ आगे बढ़ते, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ, चलो बेटा पढ़ते ओ एच, ठीक है ना? इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराओ, जल्दी कर लो बेटा, ओब्लिक एच ओ एच, डन। तो ये क्या बना देगा, ये ओ एच नेगेटिव है, इसको 18 कर दो, ये इधर आया, चाचा बाहर गए, क्या बन गया, सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस सी टू एच फाइव ओ, और वाटर से एच ले लिया, ये क्या हुआ 18, बोलो बच्चे। तो सोडियम सॉल्ट बन गया, ये बन गया, इसको सेपोनिफिकेशन बोलते, सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम इज कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बेटा इसको रट लेना है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम इज कॉल्ड एज, कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन, इज कॉल्ड, अरे इसमें कहां रिवर्सिबिलिटी होगी, हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल, ये तो इनमें रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वो तो कहां रिएक्ट करने की टेंडेंसी होगी बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका कंजुगेट बहुत ही बेकार टाइप का, कहीं नहीं होगी रिएक्शन, हो गया बच्चे, इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, लिख लो, इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक बेटा, इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब एक और बताता हूं मैं आपको, मान लो जी आपके पास है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस सी टू एच फाइव ओ एच इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, क्या रिएक्शन होगी, क्या एस्टर बन जाएगा, अच्छी बात पूछ रहा हूं, कृपया करके मुझे बताएं क्या एस्टर बनेगा, एस्टर नहीं बनेगा, काहे काहे नहीं बनेगा, अब तुम बाद में बोल दो कि सर मैंने तो पहले ही बोला था नहीं बनेगा, मैं पूछ रहा हूँ काहे नहीं बनेगा ये बताओ। अच्छा एक बताओ, इसकी 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 किन की आपस में रिएक्शन होगी, अरे तीन लोग साथ में बैठे कौन आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बात कही है तूने, क्या बात कही तूने, एसिड बेस रिएक्शन पहले हो जाएगी, बिल्कुल सही बोल रहा लड़का। अब क्या होगा, अब ये बन जाएगा एसिटेट, अरे यार ये क्या हो रही है यहाँ पे, ये बन जाएगा एसिटेट, बोलो बेटा, और ये क्या बन जाएगा C2H5OH, इनके बीच क्या रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन, बोर्ड यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा खाली, मैं आपको बताता हूँ, आपको फील आ जाएगी, आपको लगेगा हाँ यार सर सही तो कह रहे हैं, ये देखो यहाँ पे बैठे हैं चाचा H2C2OH, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड लाइक कनेक्टर लेके बैठा हुआ, तो क्या रिएक्शन होगी, ये यदि इधर से इधर गया भी तो लीव कौन करेगा, कोई लीव नहीं करेगा, बोलो ना बेटा, जब कोई लीविंग ग्रुप ही नहीं तो काई की रिएक्शन, नो रिएक्शन, नहीं आया तुमको, तुम्हारे दिमाग में एक बात आ सकती, सर जी सर जी मेरे दिमाग में बहुत तेजी से लपक के रिएक्शन आई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बताओ फिर, बोला ये वाला इस एच को ले जाएगा, आ तो गई होगी बेटा, क्योंकि मैंने आपको बोला है तो अब तो आई गई होगी, C2H5O नेगेटिव प्लस CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, पर ये पाप है, सोचो इतना स्टेबल नेगेटिव चार्ज था, उसकी जगह इतना अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज बना दिया, ये रिएक्शन नहीं होगी, नहीं आया तुमको, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन बेसिक मीडियम में नहीं होती, एस्टरीफिकेशन डज नॉट अकर इन बेसिक मीडियम, कंक्लूड कर सकता हूं मैं, तुम्हें बेटा सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि यदि रटोगे ना तो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में लुढ़क जाओगे, और IIT में तो स्पेशली बच्चे चार रिएक्शन आती यही समझ में नहीं आता कौन सी है, तो उसमें से घोलमोल करके देखना पड़ता है कि किसमें फील आ गई, ले भैया टाइम हो गया क्या बच्चे, कितने मिनट बचे हैं, 4 मिनट बचे हैं, चलो भाई
यहां तक मामला कंफर्टेबल है सबको? ठीक। अब एक रिएक्शन आएगी जिसका नाम है ट्रांस एस्टरीफिकेशन। क्या नाम है? ट्रांस एस्टरीफिकेशन। कल पढ़ाऊं? चार तो बच गई वैसे, तो कल ही पढ़ाऊं। ठीक है, तो आज की सेवा समाप्त करते हैं, कल पढ़ेंगे। यार बोर्ड पर बड़ा सुंदर दे रहा है, दिखाई यार। कल छुट्टी है भाई, कल मत आ जाना, कल बाबा की जयंती है। हाँ अरे कल गांधी जयंती है यार।